बा लालू जी बा मजा आ गया आज तो, दावत इतनी खाई मैंने लेकिन आपकी इस दूध की दावत में मजा आ गया, बहुत गजब का दूध है आपका। लेकिन लालू जी थाली में थोड़ा सा दूध और दे दो। देखो राहुल, सबको 250-250 ml दूध दिया है मैंने थाली में, इतना ही दूध आराम से पियो और सेहत बनाओ। लेकिन लालू जी एक बात बताओ, इससे पहले तो आप खाने की दावत पर बुलाते थे, आपने अचानक ये दूध की दावत पर क्यों बुलाया? और ये 250-250 ml दूध तो कम है, कम से कम सबके लिए आधा आधा लीटर तो दूध होना ही चाहिए था। देखो मोदी जी, इससे पहले तो मैं वाकई में खाने की दावत पर आप लोगों को बुलाता था, लेकिन आज मैंने दूध की दावत पर इसलिए बुलाया आपको क्योंकि मैं एक नई भैंस खरीद के लाया हूँ और वो बहुत ज्यादा दूध दे रही है, तो मैंने सोचा रोज तो दूध मैं बेचता ही हूँ, आज एक दिन के लिए सब लोगों को दावत पर बुला देता हूँ और सबको दूध पिला दूंगा, एक दिन का दूध नहीं बेचूंगा। लेकिन बाल लालू जी, आपकी भैंस का दूध पीकर मजा आ गया, इसी तरीके का गाढ़ा दूध हमें भी देना। लालू जी एक बात बताऊँ, आप बुरा मत मानना, जब हम आपसे दूध खरीदने के लिए आते हैं तब आपका दूध पतला होता है, लेकिन आज दावत पे जो आप दूध पिला रहे हो ये तो बहुत गाढ़ा है, ऐसा लग रहा है दूध को पीते ही रहो। ऐसा कुछ नहीं है अखिलेश, ये सोच की फर्क है, मैं तो हमेशा बिना पानी के ही दूध भेजता हूँ, दूध में बिल्कुल पानी नहीं मिलाता हूँ। कल से आप लोग मेरे घर पर दूध लेने के लिए आना। लेकिन लालू जी एक बात बताओ, आप कितने रुपए लीटर दूध बेच रहे हो अपनी भैंस का? योगी जी 80 रुपए लीटर दूध बेच रहा हूँ अपनी भैंस का मैं। लेकिन लालू जी एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, जैसा दूध मैं पी रहा हूँ ऐसी दूध मुझे चाहिए। अखिलेश सही कह रहा है, आप इस टाइम तो गाढ़ा दूध पिला रहे हो, लेकिन जब हम कल दूध लेने के लिए आएंगे तो आप हमें पतला दूध देंगे पानी मिलाकर। देखो योगी जी, आपके मन में अगर शंका है कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ तो मेरे पास दूध लेने के लिए मत आना भाई, भैंस जिस दिन ज्यादा पानी पी लेती है उस दिन दूध पतला हो जाता है, और जिस दिन मेरी भैंस कम पानी पीती है तो उस दिन गाढ़ा दूध होता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भैंस की गलती है। तो लालू जी अपनी भैंस को कम पानी पिलाया करो तभी गाढ़ा दूध देगी। केजरीवाल जी एक बात बताओ, तुम कम पानी पी लोगे? मैं तो अपनी भैंस को जबरदस्त पानी पिलाता हूँ इसीलिए दूध पतला होता है। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।